हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रैंक ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडेक्सेस ऑफ 2021। चाहे आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, आप लोग जानते हो 70-80% चांसेस बनते हैं कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। सो लेट मी श्योर यू, अगर आपको आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो 100% आप अपना एक मार्क क्योर कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखें। PDF भी आपको मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। बट सबसे पहले चीज़ों को पढ़ो, देखो, सुनो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या रहता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि सर PDF मिल जाएगा तो हम आराम से कर लेंगे। दोस्तों यकीन मानो, PDF तो आपको कहीं से भी आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, लॉट ऑफ अनलिमिटेड PDF इन वेरियस साइट्स, आप जहाँ से देख के पढ़ सकते हो। बट चीज़ें जब आप सुनते हो, समझते हो, वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि चीज़ें आप ज़्यादा देर रिटेन कर पाते हो। तो इसीलिए पहले वीडियो को देखें, PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप डाउनलोड करेंगे PDF एंड उसके बाद रिविजन करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, पहले आप सुन तो लो, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, सबसे पहले है जी हमारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 का, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट। देखो, एग्जामिनर आजकल डायरेक्टली कई बार ये नहीं पूछता कि रैंक बताओ, ये भी पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज किया गया। तो वो भी चीज़ें हम ध्यान रख के चलेंगे इस वीडियो में, सो डैट कि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए आंसर करने में। तो सबसे पहला है जी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट है। तो इसे रिलीज किसने किया, इसे रिलीज किया गया हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा रिलीज किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इंडिया का रैंक क्या है जी, इसमें 30 कंट्रीज जिसमें जो उनको उनके पैरामीटर्स को देखा गया। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स यानी कि हम किस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, किस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो है नॉर्वे। ओके, नॉर्वे इसमें टॉप करता है। इंडिया का रैंक आपसे पूछेगा तो 18th नंबर पे। एंड अगर इसमें आपसे पॉइंट्स अगर पूछ ले, वेल इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछता, बट स्टिल हम सारे एंगल्स को साथ लेके चलेंगे ताकि कोई भी लूप होल ना रहे। तो अगर रैंक पूछ ले तो 18, ओके, अगर पॉइंट्स पूछ ले तो 48 पॉइंट्स हैं हमारे। ओके, 48 पॉइंट्स। अब आपको यहाँ नॉर्वे के पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप किसने किया, नॉर्वे ने किया, एंड इंडिया का रैंक रहा 18। देखो मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ इसमें छोटा सा, बट ये ट्रिक सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए, अब आगे का रिपोर्ट कुछ और आएगा तो फिर वहाँ मत अप्लाई करना। देखो 18 साल के जब भी हम लोग हो जाते हैं तो फिर ये आदत लग जाती है ड्रग्स ले, अब लोग रिलेट मत करना, बट ये समझने के लिए कोशिश करो कि 18 साल की एज के बाद अक्सर आपने सुना होगा कि हाँ बड़े हो जाता है इंसान तो फिर उसको ऐसी लत लग जाती है, क्योंकि डेविएट हो जाते हैं, कहीं चांसेस होते हैं। तो फिर इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ड्रग जहाँ आए तो फिर 18। ओके, तो अब आपको बोलेगा नहीं। उसके बाद सेकेंड है जी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या रैंक रहा हमारा, ये आपने बताना है। इसे रिलीज किसने किया, इसे रिलीज किया वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा इसे रिलीज किया गया। एंड इसमें हमारा जो रैंक रहा वो रहा 79th नंबर पे रहा। एंड इसमें टॉप किया डेनमार्क की, इसमें टॉप किया। ड्रग पॉलिसी में अगर आपसे पूछ ले तो नॉर्वे ने टॉप किया, कोशिश करते हैं कि आप रिमाइंड रिटेन भी कर पाएं साथ साथ। नॉर्वे उसमें टॉप करता है। एंड अगर रूल ऑफ अगर लॉ इंडेक्स की बात करें तो इसमें से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रिलीज किया, 79th नंबर पे हमें हमारा रैंक आता है, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स परफॉर्मेंस, ये जो रैंक है 2022 का। देखो अब कई जगह 22 मेंशन होता है, ये मत जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है तो जब हम 2021 में ही होते हैं तो वहाँ 22 मेंशन किया होता है, तो ये चीज़ यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये 21 में ही रिपोर्ट आया था। ओके, अब इसमें रिलीज़ किसने किया, इसको रिलीज़ किया गया डेवलप्ड बाय जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। अब इसमें रैंक आपसे पूछ रहे, तो इसमें टोटल 20 कंट्रीज थी, 20 कंट्रीज, तो इसमें हमारा रैंक कहा 10th नंबर पे, हम 10th नंबर पे। ठीक है, अब देखो टॉप 10 पोजीशन में आए, जो टॉप 3 पोजीशंस हैं वो एम्प्टी रही, यानी कि जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं बाय दिस इंस्टीट्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा, हमारी ग्लोबली कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है, उस पैरामीटर्स को वो
वैसे उस पॉइंट तक काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए टॉप थ्री कंट्रीज जब आएंगे तो फिर देखेंगे, फिर उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको सेटअप किया जाएगा। टॉप थ्री पोजीशन रिटेन कोई नहीं कर पाया, यानी कि टॉप थ्री पोजीशन एम्प्टी रही। तो नंबर वन रहा ओवरऑल देखा जाए फोर्थ नंबर पे, एंड ओवरऑल फोर्थ, एंड ऐसे तो देखा जाए फर्स्ट ही है। ओके, तो ये रहा डेनमार्क, इंडिया टॉप टेन में आया, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं फिर, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट है जी, इसे रिलीज़ किसने किया ये भी आपको यहाँ रिपोर्ट पूरा लिखा है। अब हर किसी का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। एंड इसमें अगर रैंक की बात किया जाए तो हमारा रैंक रहा 71 नंबर पर। ओके, 71st नंबर पर रहा हमारा रैंक। तो इसमें टॉप किसने किया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में, इसमें टॉप किया है जी आयरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारी कंट्रीज़ जो लाइक टॉप पे रही इन कंट्रीज़ में। ओके, तो इसमें ये टॉप रैंक को शेयर किया इन कंट्रीज़ ने, चार पांच कंट्रीज़ हैं, सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया का याद रखें, 71st नंबर पे थे। ओके, अब देखो अभी तक हमने कितनी चीज़ें की, देखो सारी चीज़ें ईजी हैं याद रख पाना, देखो ट्रिक हर जगह काम। मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बताऊं कि अगर हम चीज़ों को दो से चार या पांच बार ही पढ़ेंगे ना तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, रदर देन हम कोई ट्रिक बताएं, क्योंकि ट्रिक टेम्पररी रहती है, ट्रिक हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ट्रिक से याद करना बेटर लगता है तो आप लाइक रदर देन कि आप किसी की ट्रिक को फॉलो करें, खुद ट्रिक बनाएं। लेकिन मानो मैं खुद ये चीज़ें अपने पर इंप्लीमेंट करता हूँ, कई बार जो चीज़ें अक्सर रहता है कि हम चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते, तो फिर क्या करना, प्रोसेस क्या करना कि आप खुद से कोई ट्रिक बनाओ, जो खुद की ट्रिक डेवलप की होगी ना आपने, यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रिक खुद बनाएं। अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज वीडियो के ख़त्म होते तक आपको चीज़ें याद रहें। ड्रग पॉलिसी में मैंने आपको बताया 18 साल की उम्र में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, आप लोग जानते हो, एक ट्रिक सा मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो जस्टिस के मामले, आप लोग जानते हो कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो इंसान बूढ़ा हो जाता है तब तक भी उसको चक्कर लगा 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 के इतिहास लाइक जस्टिस के चक्कर में, तो 79 ईयर्स तक भी आप चलते भी रहेंगे ना, तब भी आप बूढ़े भी हो जाएंगे, तब तक आपको जाके वहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 10 पे रहे, 10वें नंबर पे रहे, ये आप ध्यान रखें, पहले तीन कंट्रीज इसमें खाली रही। ओके, उसमें फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा 71st नंबर पे रहा, 71st नंबर पे रहा हमारा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे, तो पेंशन सर्वे इंडेक्स किया गया कि हमारी अगर पेंशन सिस्टम में देखा जाए, जो हमारे पेंशनर्स होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, तो उनकी कंडीशंस जैसे कि किस कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितने ईजिली चीज़ों को वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच पाती हैं, तो ये ओवरऑल देखे जाते हैं पैरामीटर्स। तो इसमें टोटल 43 कंट्रीज थी, ठीक है, 43 कंट्रीज, तो इसमें हमारा 40वें नंबर पे आया, मतलब अच्छी पोजीशन नहीं है हमारी। इसमें टॉप करता आइसलैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसे रिलीज किसने किया ये आप जरूर ध्यान रखें, इरिश एड एजेंसी कॉल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा इसे रिलीज किया गया। इसमें भी हमारा रैंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 101 नंबर पे हैं हमारा रैंक है, आउट ऑफ 116 कंट्रीज। आप यकीन मानेंगे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से भी पीछे हैं इस इंडेक्स में, सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही है, बट दिस इज़ ट्रूथ। इसमें टॉप किसने किया, इसमें 18 कंट्रीज़ जो फर्स्ट पोजीशन रिटेन करती हैं, चाइना, ब्राज़ील, कुवैत, सारी कंट्रीज़ हैं लाइक जिनका लाइक जो टॉप पोजीशन रिटेन करती हैं, यानी कि नंबर वन पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई किया। इंडिया का रैंक याद रखें 101 नंबर पे। रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकाला गया एंड हमारा रैंक थोड़ा सा बेटर हुआ है, हम 7 पोजीशन हमने बेटर किया है इसमें। ओके, तो हेनले एंड पार्टनर द्वारा से रिलीज किया जाता है, टॉप इसमें जापान एंड सिंगापुर ने किया है, हमारा रैंक है 83rd नंबर पे, 83वें नंबर पे, याद रखें 83rd नंबर पे, 7 पोजीशन हमारा बेटर हुआ है इस साल। रैंक ऑफ इंडियन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, तो इसमें हमारा रैंक क्या रहा ये आपने याद रखना है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो हमारा रैंक रहा 59th नंबर पे, 59th नंबर पे रहा, एंड इसमें भी टॉप करता है
डेनमार्क, ध्यान रखें डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो कितने इनोवेटिव हैं हम, हमारे इंडियंस कितने इनोवेटिव हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, एंड इसमें हमारा रैंक रहा 46 नंबर पे आउट ऑफ 132 कंट्रीज। सबसे इनोवेटिव स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड याद रखें। सेफ सिटीज इंडेक्स में अगर हम बात करें, जिससे ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया, EIU द्वारा से रिलीज किया गया। कोफिनगम, कोफिनगम जो डेनमार्क की कैपिटल है, इज अ वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सबसे सेफेस्ट सिटी है, सबसे सुरक्षित सिटी है कोफिनगम। एंड अगर हम अपने बात करें इंडिया की तरफ से, तो 48th नंबर पे हमारी न्यू दिल्ली है। तो आपने याद क्या रखना है, सबसे सेफेस्ट सिटी सिटी कोफिनगम, ये आप ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, तो इसमें क्या है ये आपने बताना है। इसमें हमारा रैंक अच्छा है, हमारा है सेकेंड नंबर पर, एंड इसमें टॉप चाइना है, हमसे आगे है, ओनली चाइना है, एंड ग्लोबल ये इंपॉर्टेंट है, हमारा अच्छा पोजीशन है इसमें। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में हमारा नंबर सेकेंड नंबर पे है, एंड इसमें टॉप चाइना करता है। ओके याद रखें। आगे बढ़ते हैं, द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ उड़ीसा, ये नंबर वन आया है इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ द सेंटर एंड साइंस एंड एनवायरमेंट। तो ये रिपोर्ट निकाला गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इस वजह से इसको नंबर वन परफॉर्मेंस दिया गया, नंबर वन पोजीशन मिला। एंड इसमें 31 स्टेट्स एंड बाकी यूटीज इसमें इसमें परफॉर्मेंस जो इस मॉनिटर किया गया, एंड 2016 से लेकर 2021 के डेटा को कंसिडर किया गया, तो उड़ीसा नंबर वन रहा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ वेस्ट स्टेट आपसे पूछा जा सकता है, तो उड़ीसा याद रखें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, तो ग्लोबल ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में एक साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम्स में, इसमें अगर इसके आधारित पे हमारा जो रैंक है वो अपने ध्यान रखना है, इसमें हैं जी हम 10th नंबर पे। ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा इसे रिलीज किया गया, इसमें टॉप्ड बाय USA। उसके बाद है जी 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसमें रिलीज किसने किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये आप ध्यान रखें। इसमें हमारा रैंक 135th नंबर पे है, एंड इसमें 163 कंट्रीज हैं, वो अपने याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना कि हमारा रैंक कौन सा है, 135वां नंबर है। इसमें टॉप करता आइसलैंड, एंड अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद है जी रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हमारा रैंक क्या आया ये आपने बताना है। इसे रिलीज़ किया गया था चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंडिया इज़ नाउ इन द टॉप 20 मोस्ट जेनरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 14th रैंक आया जी हमारा, इसे इंडोनेशिया द्वारा टॉप किया जाता है इन केस ऑफ चैरिटीज़ डोनेशन, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, एंड टॉप इसमें इंडोनेशिया करता है, फॉलोड बाई कीनिया, नाइजेरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान रखें टॉप किसने किया, इंडोनेशिया के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, इंडिया का रैंक रहा 14th नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बेटर परफॉर्म किया है जी MP ने, मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय उड़ीसा। ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट 3rd एडिशन था, इसमें रिलीज किया गया, एंड इसमें यूटीज एंड 115 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं बेसिकली। इसमें अगर पूछ ले आपसे कि इसमें टॉप किसने किया है जी 3rd एडिशन में, इसमें टॉप किया है जी केरल ने। ओके केरल ने टॉप किया है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, एंड यूटी वाइज अगर पूछ ले तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी इसमें इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने, याद रखें इंपॉर्टेंट है। उसका गुजरात टॉप द 3rd फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया रिपोर्ट गुजरात, ये 3rd एडिशन था, इसमें गुजरात ने इसमें टॉप किया है, एंड लार्ज स्टेट्स की बात करें तो गुजरात ने टॉप किया है, अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा ने टॉप किया है, एंड यूटी वाइज अगर बात करें तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने इसमें टॉप किया है, ये याद रखें जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक JKSSB का एग्ज़ाम है, तो वहाँ आपसे ये कहीं पूछा जा सकता है कि J&K का रैंक बताओ,
इन फूड सेफ्टी से जो भी टॉप किया है, तो फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली, यानी कि बुजुर्ग लोगों की लाइफ क्वालिटी किस तरीके की है, एक रैंकिंग निकाला गया है। एंड इसमें आपको इसमें बेसिकली देखा जाता है जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डर पीपल्स हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से है। तो अगर बेस्ट परफॉर्मर्स की अगर बात की जाए, इसमें बेसिकली ए स्टेट्स हैविंग मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल, यानी कि 50 लाख से वो ज़्यादा पॉपुलेशन जिनकी स्टेट्स, उसमें देखा गया, कंसिडर किया गया। तो इसमें जो नंबर वन है वो है राजस्थान, ये आप ध्यान रखें, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार। उसके बाद नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, अर्बन इंडेक्स है बेसिकली, अर्बन क्षेत्रों रीजन को देखा गया। तो इसमें जो नंबर वन है वो है शिमला, शिमला नंबर वन है इसमें, ये आप ध्यान रखें। एंड चंडीगढ़, अगर यूटी वाइज बेसिकली अगर इसमें अगर यूटी का अगर स्कोर आपसे पूछा जाए, तो उसमें चंडीगढ़ नंबर वन है। ओवरऑल शिमला आप याद रखें, ज़्यादा आपको यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा सिटी टॉप करता है, तो उसमें नंबर वन रहा हमारा शिमला, जो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटका टॉप करता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया 2020 का, तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया है, ये आप ध्यान रखें। एंड लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट में, जो थर्ड मतलब तीसरी बार ये रिपोर्ट निकाला गया थर्ड इंडेक्स, इसमें गुजरात ने टॉप किया, ये आप इतना सा याद रखें। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया, आप ज़रूर मुझे बताएं वीडियो को लाइक करके, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड इसी तरीके से हम ईयरली राउंड अप लाने की कोशिश करेंगे, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अराउंड 22 या 23 तक हमने कवर किए होंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज एंड रैंकिंग। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, कैसा लगा आपको वीडियो, इस तरीके की वीडियोज़ और अगर आप चाहते हो। डेली करंट अफेयर्स तो हमारे आ ही रहे हैं, उसमें विदाउट एनी हॉल्ट आपको डेली वीडियोज़ मिलते, बट इस तरीके से एडिशनली वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। एंड हाँ, अब आता कि इंपॉर्टेंट कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा जी, पीडीएफ आपको देना बिल्कुल आपका एक कहते हो जिसे आपका एक हक है लेना, तो अब आपको कैसे मिलेगा, आपका राइट है, कैसे मिलेगा आपको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू का, तो वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे एंड वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ एक मैं कॉलम बना रहा हूँ, अभी हम एडिशन करेंगे, उसमें एक कॉलम बना रहा हूँ ईयरली राउंड अप का, ईयरली राउंड अप का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।